नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन यानी इस घंटी पर क्लिक कीजिए। भारतीय खिलाड़ियों की दाढ़ी देख सहमे ऋषि कपूर। विश्व कप से पहले बॉलीवुड अभिनेता को सताई चिंता। क्रिकेटर्स की दाढ़ी को लेकर उठाया सवाल। जानिए क्या है पूरा मामला। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं और अपनी बेबाक राय रखने के लिए मशहूर हैं। इन दिनों ऋषि कपूर लंबे टाइम से न्यूयॉर्क में अपनी बीमारी का इलाज करा रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया पर उनके फोटोज और हेल्थ से जुड़े अपडेट्स सामने आते रहते हैं। इसी बीच उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम को लेकर ऐसी ही मजेदार प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सूची जारी होने के बाद ऋषि कपूर ने BCCI से विश्व कप के मद्देनजर सवाल किया कि क्यों सभी चयनित खिलाड़ियों की दाढ़ी एक जैसी है। यहां तक कि उन्होंने चुने गए खिलाड़ियों की तुलना सैमसन से की, जो प्राचीन इजराइल के अंतिम न्यायाधीश थे और ऐसा कहा जाता है कि उनके बालों में एक अद्भुत शक्ति थी। दिग्गज अदाकार ने अखबार की एक तस्वीर शेयर की है जिसमें 15 खिलाड़ी दिख रहे हैं। इस दौरान उन्होंने लिखा कि इस तस्वीर को रेफरेंस पॉइंट के रूप में न देखें, लेकिन हमारे अधिकांश खिलाड़ी स्पोर्ट्स बियर्ड क्यों रखते हैं? सभी सैमसन हैं क्या? मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि बिना दाढ़ी के भी वो स्मार्ट और डैशिंग लगते हैं। बस ऐसे ही ध्यान दिया। बता दें कि इनमें से केवल महेंद्र सिंह धोनी ही इकलौते खिलाड़ी हैं जिन्होंने दाढ़ी नहीं रखी। उनके अलावा विश्व कप की टीम में जगह पा चुके हर भारतीय खिलाड़ी ने दाढ़ी रखी हुई है। गौरतलब है कि विश्व क्रिकेट का सबसे बड़ा महाकुंभ ICC वनडे वर्ल्ड कप इस साल इंग्लैंड में 30 मई से आयोजित होगा। इसके लिए भारतीय क्रिकेट चयनकर्ताओं ने सोमवार को अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया था। टीम में दिनेश कार्तिक को बैकअप विकेट कीपर के तौर पर शामिल किया गया, वहीं रविंद्र जडेजा को भी जगह दी गई। इसके अलावा नंबर 4 की रेस हारे अंबती रायुडू की जगह ऑलराउंडर विजय शंकर को चौथे बल्लेबाजी क्रम की समस्या को सुलझाने के लिए टीम में मौका दिया गया। वहीं विराट कोहली पर ही टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी होगी और रोहित शर्मा भी उपकप्तान की भूमिका में ही नजर आएंगे। युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को टीम में चयनित नहीं किया गया है, जबकि KL राहुल को बैकअप ओपनर के तौर पर जगह दी गई है। दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी विकेटकीपिंग का भार संभालते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ फिल्मों की बात की जाए तो ऋषि कपूर आखिरी बार अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित फिल्म मुल्क में नजर आए थे। फिल्म में उन्होंने एक ऐसे मुस्लिम पुरुष का किरदार निभाया था जो भारतीय कहलाने के अधिकार के लिए न्यायपालिका से लड़ता है। फिल्म में तापसी पन्नू ने भी अहम किरदार निभाया था और फिल्म को दर्शकों से जबरदस्त प्रतिक्रियाएं भी मिली थीं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप अपने कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं।